होगा तो फोटो जरूर खींचनी है, सब खाद बात के पैसे देने नहीं है। मुझे बताने दो। चलो ठीक है। देखो कैलीग्राफी में इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैं ट्राई करूँगी कि बेसिक कैलीग्राफी की कुछ बेसिक बातें मैं आपको जल्दी से जल्दी बताऊँ, और कोई भी कर सकता है चाहे कितनी भी बुरी हैंडराइटिंग क्यों ना हो, तो ये क्लियर कर लो पहले तो। और स्ट्रोक्स बहुत सारी होती हैं, जो मेन स्ट्रोक होती है वो होती है हमारी अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक होती है थिन स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक होती है थिक स्ट्रोक। बेसिकली इसका मतलब है जब भी आप ऊपर जाओगे तब आपको पतली लाइन बनानी है, और जब आप नीचे आओगे तब आपको थिक लाइन बनानी है। और स्टार्ट आप पेन वगैरह से करो, स्केच पेन से करो, पेंसिल से करो, तो साइड में एडजेसेंट लाइन बनाओ और उसे फिल कर दो, तो वो थिक स्ट्रोक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक लेटर लो, तो इस लेटर में अल्फ़ेबेट में जब ऊपर जाएंगे तो पतली लाइन, नीचे जाएंगे तो मोटी लाइन। देखो मैंने जहाँ पर भी मैं नीचे गई वहाँ पर मैंने कलर कर दिया इस तरह से थिक स्ट्रोक के लिए। और स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट विद टाइम आपके माइंड में वो सबकॉन्शियसली होने लग जाएगा और आप उस तरह से ही करने लग जाओगे स्ट्रोक्स को। और ए बी प्लीज़ इस तरह से मत बनाना, ट्रिगर करते हैं मुझे बहुत। तो ओवल बनाना है, उसके बाद आपको साइड की लाइन बनानी है, और ये हमारे बेसिक्स। कुछ मिस्टेक्स होती हैं। ओके
जैसे ए वाली होती है, बहुत बेसिक मिस्टेक है, बहुत सारे लोग इस तरह से ये बनाते हैं, बट आपको पहले ओवल बनाना है। और सेकंड पॉइंट होता है कि आपको एक्सप्लोर करना है। सिर्फ यही तरीका नहीं है, ए बी बनाने के बहुत तरीके हैं। मैं इन्हें यूज़ करती हूँ बिकॉज दे आर वेरी इजी फॉर मी, जिससे मैं डेली लाइफ में जल्दी जल्दी कर सकूँ। और उसके बाद जब आपका इसमें हाथ बैठ जाए तो आप ब्रश पेन कर सकते हो, ब्रश पेन से कर सकते हो। एंड अगर मैं ऐसे एक्सेप्शन की बात करूँ तो देखो एन जो है ना यहाँ पे, उस हिसाब से तो मुझे सिर्फ बीच की लाइन मोटी बनानी चाहिए थी क्योंकि वो डाउन स्ट्रोक है, राइट। बट उसमें क्या होता है कि आपको साइड की दोनों लाइन मोटी बनानी होती है और बीच की पतली, तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। स्टार्ट करो पेन पेंसिल हाइलाइटर स्केच पेन से और फिर अपग्रेड करो ब्रश पेन से। ब्रश पेन में प्रेशर बहुत मायने रखता है और जब आप अपस्ट्रोक से डाउन स्ट्रोक में कन्वर्ट करोगे इमीडिएटली तो पेशेंस रखना है, वरना जो स्ट्रोक है वो क्लियर नहीं आएगी। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।